गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी रिवाइज चैप्टर टू शेप्स एंड एंगल्स। प्रीवियस क्लास वी लर्न एंगल, ओके। प्रीवियस क्लास हम एंगल्स पढ़े थे। व्हाट इज एंगल? Formed by two rays meeting at a point. ठीक, ये आपके rays है, आपने ये पढ़ा ना, ये आपके rays है, ठीक है। और ये जो point है O, जिसमें two rays आके मिलते हैं, वो point आपका vertex कहलाता है, है ना। आपने इसको पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। और फिर इसके अंदर, एंगल्स के अंदर जो भी पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं, और आउटसाइड में जो पॉइंट होते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। रिकॉल कर रहे हैं हम लोग एंगल, व्हाट इज एंगल हमने रिकॉल किया। फिर ये ऑन द एंगल, ये ऑन द एंगल, जो एंगल के रेज के ऊपर, लाइन के ऊपर होते हैं उसे हम ऑन द एंगल कहते हैं। ये ओ ए और ओ बी रेज है, और ओ इज ए वर्टेक्स, और एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर, और आउटसाइड जितने भी हैं एक्सटीरियर। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कितने तरीके के एंगल होते हैं ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, राइट एंगल, आर आई जी एस टी, राइट एंगल। राइट एंगल, an angle whose measure is 90 degree is called a right angle. जिस angle का measure 90 degree होता है उसे हम right angle कहते हैं। सबसे पहले आपने एक ray draw किया है AO, फिर right angle हम इस तरीके से draw करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बी, ये 90 डिग्री का होता है, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये मेरा हैंड, आपकी जो हैंड है, आप खुद अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी समय हाथ को ऐसे करके देखिए, तो ये आपका राइट एंगल हुआ, ठीक है। और कैपिटल लेटर में एल की तरीके से राइट एंगल होता है। सेकेंड, सेकेंड एंगल हम स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल पहले भी हम लोग ने ये सब पढ़ा है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट, फिर यहां से एक एंगल ओ बी, ये आपका स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो कि 90 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, थर्ड एंगल हम लेंगे कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल के, स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन, एन एंगल हूज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, ओके। नेक्स्ट वी कम टू कंप्लीट एंगल, नेक्स्ट हम कंप्लीट एंगल पे आते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल आपने भी पढ़ा था सर्कल पे, एक सर्कल कंप्लीट होती है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है।
इसकी डिग्री होती है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल हुज मेजर एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो एंगल होते हैं जिसकी मेजर जो होती है 360 डिग्री होती है, उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हुए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ना, एक्यूट एंगल हुज मेजर इज, एक्यूट एंगल के मेजर क्या होते हैं, हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के जो मेजरमेंट होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ए ओ बी हम एंगल के लिए इस तरीके से शो करते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, सपोज हम इसको मान लिए हैं 50 डिग्री ना। अभी हम आपको मेजर भी करना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप मेजरमेंट करोगे एंगल का। ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा होता है 1 डिग्री से स्टार्ट होके 89 डिग्री तक, जो नंबर्स होते हैं वो सब एक्यूट एंगल होते हैं। 1 के बाद 2, 3, 10, 25, 35, 45, 89 तक जितने भी नंबर, 1 से लेके 89 के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री आता है तो वो राइट एंगल हो जाता है। ठीक, एक्यूट एंगल का डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल An angle whose measure is more than 90 degree is called a obtuse angle. क्या बोल रहा है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, पर 180 डिग्री से छोटा हो, वो एंगल obtuse angle कहलाता है, है ना। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री आपको मालूम है स्ट्रेट एंगल है, तो 180 डिग्री से लेस देन होगा और 90 डिग्री से मोर देन होगा, सपोज वी 135 डिग्री। ठीक है, इसको हमने 135 डिग्री माना। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90, मोर देन 90 मींस 91 से स्टार्ट होके 179 डिग्री तक जाएंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। 91 के भी स्टार्ट करेंगे नंबर और 179 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे, है ना। तो आपने क्या क्या पढ़ा, राइट एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज ए राइट एंगल, ओके। स्ट्रेट एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। देन एक्यूट एंगल हुज मेजर इज लेस देन ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे, अब इसी बेस पे अब हम आपको एंगल को मेजर करके कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं कि आपको एंगल दिया है
75 डिग्री का, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसके लिए पहले आप इसको देखिए, दिस इज द प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है, आप सभी को दिख रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इसमें देखिए इनर स्केल एक है और आउटर स्केल एक है। जो इनर स्केल है राइट हैंड से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30 करके है ना, तो ये 180 तक है। आउटर स्केल लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे तो 0, 10, 20, 30 करके 90 बीच में स्टेट। इसको हम अब एंगल हमको 60 डिग्री, चलिए सपोज हम मानते हैं 60 डिग्री, तो सबसे पहले आपको एंगल 60 डिग्री का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक रे बनाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हम ए बी दे देते हैं पॉइंट। अब हम अपने प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर आपका सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल में है, तो इसको हम देखिए किस तरीके से रखेंगे। नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को इस लाइन में सेट करेंगे और फिर ये जो मिड पॉइंट है उसको हम यहाँ पे रख के, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया है। इसी एंगल में मैं सब आपको सब बताती हूँ। तो फिर यहाँ पे ये 60 डिग्री का या 40 डिग्री का मानिए, चलिए 40, तो इनर स्केल से गिन रहे 10, 20, 30, 40, तो 40 में हम पॉइंट लगा लिए तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, फिर ये राइट एंगल हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 140 डिग्री के लिए 90 के बाद 80 है ना, 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140 ऐसे करके स्केल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी में हम तीन ड्राइंग बना ले रहे हैं, वो तीनों ड्राइंग आप देखिए। फिर ये प्रोटेक्टर हटा के इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया 40 डिग्री का, फिर ये स्ट्रेट एंगल हो गया। आपको अलग अलग से बनाना है, मैं एक ही में आपको अभी शो कर दे रही हूं। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया है, ठीक है, फिर ये ऑब्टस एंगल के लिए ऐसे करके, ठीक है। तो प्रोटेक्टर रख के आपको पॉइंट, अब पॉइंट यहीं पे है तो हम ये छोटा सा नहीं करेंगे, वो लाइन को बड़ा कर लेंगे, ये 140 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोटेक्टर रख के एंगल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में एंगल ड्रॉ करने आएगा तो प्रोटेक्टर यूज करके आपको आना चाहिए। इसी बेस पे हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ये आपका फैन है, फैन दिख रहा है सभी को, अब ये क्लोज है, अब इसको थोड़ा सा ओपन किए तो ये एक्यूट एंगल बना, बना कि नहीं, फिर ये 90 डिग्री का हुआ, ठीक है, फिर ये ऑब्टस एंगल हुआ, फिर इसको हम पूरा स्ट्रेट करते हैं तो ये आपका स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्लॉक को देखिए, आप सभी को क्लॉक दिख रहा, अभी आप खुद बैठे हैं, घड़ी आप अपनी घर पे देखिए कितना टाइम हुआ है, मे बी मेरे वॉच में तो 9 o'clock हुआ है, हुआ कि नहीं, आपके भी वॉच में 9 o'clock हुआ होगा। आप अभी अपने नजर को थोड़ा सा घुमा के अपने रूम में घड़ी को देखिए, 9 o'clock, तो कौन सा एंगल बन रहा है, एल शेप दिख रहा है ना, तो राइट एंगल बन रहा है। फिर 5 minutes ओवर हो जाएगा तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्टस एंगल हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बिफोर स्टार्टिंग जब हम क्लास किए थे तो ये आपकी एक्यूट एंगल थी, और जब क्लास ओवर हो जाएगी, आज की क्लास ओवर हो जाएगी, कितने में ओवर होती, 9:15 में ओवर होती है, कुछ मिनट आगे पीछे होता है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से क्लॉक रख के घड़ी के जब भी टाइम होता है तो आपको ये पढ़ाई हमेशा पढ़ना या याद करना जरूरी नहीं है। घड़ी पे आप जो भी आप गेम्स खेल रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो उस समय आपका टाइम जैसे शो होता है उस टाइम पे आपको टाइम रीडिंग करिए, उसके साथ एंगल भी आप मम्मी को बताते जाइए, दीदी भैया जो भी घर में है पापा को बोलते जाइए कि पापा अभी टाइम इतना हुआ है, इसके साथ हमारा एंगल भी इतना शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ये चीज को लेके आपको याद नहीं करना है। जैसे जैसे क्लॉक घूमते जा रही है और कंप्लीट एंगल देखिए कैसे होगा, जब ये पूरा कंप्लीट एक हो जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल होता है। घड़ी के टू हैंड्स होते हैं, आपको मालूम है शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, तो वो टाइम शो करते हैं, तो ये इस तरीके से आपके टाइम एंगल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और एक एक आपके डिविजन मालूम है कि 30 डिग्री के होते हैं, ये 30,
60, 90, ऐसे करके पूरे डिवाइड होते हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या क्या पढ़ा, एंगल्स पढ़ा, एंगल्स किस तरीके से आप ड्रॉ करना सीखे, है ना। अब एक ये बोलिए 30 डिग्री कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री। अब आपको इसके नाम लिखने हैं, है ना, 360 डिग्री नाम लिखना है, आप लिखिए कॉपी में। 30 डिग्री क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री है, 90 से छोटा है तो क्या होगा, एक्यूट, एक्यूट एंगल ना। अब 90 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक। अब 180 डिग्री, अब जब आप हैंड्स ऐसे फोल्ड करते हैं, नमस्ते करते हैं किसी को, तो ये आपके आर्म्स में ये फोल्डिंग पे जो एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, ये एंगल आपको दिखता है, आप जब खुद अपने हाथ को फोल्ड करेंगे तो ये एंगल आपको शो होगा। तो बॉडी से भी एंगल्स बनते हैं, पोजीशन आप लेते हैं, तो वो एंगल आपका क्यों, कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा। अब ये सीजर है, बुक में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, ये सीजर है, तो सीजर आपका देखिएगा बुक में, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ये जो इसके ब्लेड्स हैं इसके बीच में एंगल, कौन सा एंगल हो रहा है, एक्यूट एंगल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज लेके आप 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल और 360 डिग्री देन 142 डिग्री लास्ट, ठीक है। 360 डिग्री क्या होगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसके बाद हम इसके बेस पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। 142 डिग्री क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्यों हुआ, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, डेफिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल का वही है ना, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब चलिए हम ये आपने देख लिया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चंस को आप, मैं बोर्ड में लिख रही हूं, आपको करना है क्वेश्चन को, ठीक है। हाफ ऑफ अ राइट एंगल डैश, पहला क्वेश्चन आपको, हाफ ऑफ राइट एंगल डैश, एंगल, सेकेंड क्वेश्चन, एंगल इंडिकेट इन द क्लॉक टाइम 3 o'clock इज डैश। बहुत इजी है, अभी आपने जो पढ़ा उसी को करना है। एन एक्यूट एंगल एंगल डैश, थर्ड फोर्थ इज अ प्रोटेक्टर
प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर मेजर डैश. ठीक है. फिफ्थ, एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल डैश. ओके, एक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स. An angle, angle of measure, measure measure 360 degree is called desk. Called a dash. ठीक है. आई रीड द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट हाफ ऑफ ए राइट एंगल डैश. सेकेंड एंगल इंडिकेट इन द क्लॉक टाइम 3 o'clock इज. थर्ड एन एक्यूट एंगल. फोर्थ अ प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर डैश. Fifth is an obtuse angle dash. Sixth is an angle of measure 360 degree is called a dash. आप फटाफट इसको लिखिए और करिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूं. इसका बहुत इजी है. अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा वो ये है. सेवेंथ क्वेश्चन. एक सेवेंथ लिखते हैं. चलो सेवेंथ क्वेश्चन लिखते हैं. द एंगल of the angle of the scissor. अभी आपको मैंने scissor दिखाया. Scissor is. ठीक है. ये scissor का मैंने drawing बनाया है. उतना clear नहीं है फिर भी आप understood है. ठीक है. Scissor. The angle of the scissor is. ठीक है. लिखिए और आंसर आप दीजिए, फिर आप आंसर को चेक करेंगे कि सेवन को सेवन फिल इन द ब्लैंक्स में आपके कितने राइट हैं. ओके, तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे आपके मार्क्स कितने आपको मिल रहे हैं. वन वन मार्क्स के आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप सेवन में कितने मार्क्स ऑप्टेन किए हैं वो आप चेक करेंगे. ठीक है. ओके, स्टार्ट. हाफ ऑफ ए राइट एंगल. आपको मालूम है राइट एंगल 90 डिग्री है. 90 डिग्री है. हाफ मींस 1/2. तो 2 से आपको इसको डिवाइड करना है तो फिर कितने हो जाएंगे आपके आंसर आ जाएंगे 45 डिग्री. ठीक है. हाफ ऑफ ए राइट एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री. आपको याद नहीं करना है. राइट एंगल आपको मालूम है 90 डिग्री. हाफ मींस 1/2 तो उसको डिवाइड करके 45 डिग्री. ठीक है. एंगल इंडिकेट इन द क्लॉक टाइम 3 o'clock इज क्या होगा. राइट एंगल. राइट एंगल हुआ ना. अभी मैंने आपको बताया कि आप ये घड़ी पे देख रहे हैं 3 o'clock तो ये राइट एंगल हुआ कि नहीं. वैसे 9 o'clock में भी
राइट एंगल होगा, 330 में भी राइट एंगल होगा. एंड एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल इसमें आप लेस देन 90 डिग्री क्या करेंगे? लेस देन 90 डिग्री. क्लियर? अ प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर. क्या करते हैं प्रोटेक्टर, किस लिए यूज किया जाता है? एंगल. प्रोटेक्टर हम मेजर क्यों करते हैं? एंगल के लिए. एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करते हैं. एंड ऑब्टूस एंगल क्या है? मोर देन 90 डिग्री. मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री. मोर देन 90 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर ग्रेटर देन. एंड एंगल, सिक्स क्वेश्चन, एंड एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड क्या है? कंप्लीट एंगल. COMPLETE, कंप्लीट एंगल. क्लियर? एंड एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. ये ड्रॉइंग है. द एंगल ऑफ सीजर इज क्या होगा? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल सीजर का कौन सा शो कर रहा है? ये पोर्शन आपका एक्यूट एंगल हो जा रहा है. ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेसन. टॉपिक टुडे टॉपिक और काफी इजी है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. आप घर पे इसको फिल इन द ब्लैंक सबको अच्छे से आपके वर्कबुक में जितने दिए हैं इसको पढ़ेंगे. इसको हम मल्टीपल चॉइस के रूप में भी दिया जा सकता है, किंतु बोर्ड छोटा होने के कारण हम अभी लिख नहीं सक रहे हैं, इसलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे प्रैक्टिस कराया गया है. ऐसे आपके जितने भी वर्कबुक में हैं वो सब डेफिनेशन भी याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट.